दोस्तों वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। ममता की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज है 20 जनवरी 2024, जो कि इतना स्पेशल डे बन गया है। ये बहुत ज़्यादा स्पेशल डे बन गया है क्योंकि 536 वर्ष के बाद में हमारे लाल रामलला वापिस अयोध्या आए हैं। और तो अपनी यूट्यूब फैमिली को बोलना चाहूँगी, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों हम यहाँ पे जा रहे थे मंदिर में, मंदिर में हर जगह प्रोग्राम चल रहा है, हर मंदिरों में चल रहा है और पूरे देश में चल रहा है दोस्तों। एक ही जगह नहीं, हमारे गांव में ही नहीं, पूरे देश में चल रहा है और इसकी खुशहाली बहुत ज़्यादा खुशी है। तो यहाँ पे सुबह सुबह का वक्त था, मैं बालाजी के मंदिर गई थी, तो यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह चल रही थी, तैयारियाँ चल रही थी जोरों शोरों से, और क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ करना था तो इसलिए यहाँ पे सारे टीम मेंबर लोग खड़े हुए हैं। सब ऐसे सब ने मिलके वो किया है। और ये है इस मंदिर के पुजारी, मतलब जो पूजा करते हैं बालाजी की, वो है यहाँ पे। और ये कुछ इस प्रकार का कुछ डेकोरेशन वगैरह किया है, सब अपने ने ही मिलके किया है, कोई बाहर से डेकोरेशन करने वाले को नहीं बुलाया था। सब टीम मेंबरों ने मिलके अपना एक अच्छे तरीके से करने के लिए कुछ इस प्रकार से सजावट वगैरह की है। ये है मंदिर के पुजारी। तो हमने भी थोड़ी बहुत जो सहयोग था तो हम वहाँ पे थे तो हमने भी किया। और ये है सब भोले बाबा, नंदी, पार्वती सभी हैं यहाँ पे, जितने भी देवी देवता हैं सबको माला वगैरह पहनाया। और यहाँ पे सेटलमेंट हो रहा था क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ होने वाला था इसलिए। और ये कुछ बैलून वगैरह के डिजाइन, यहाँ पे टंकियों में प्रसाद रखा हुआ था, दो टंकी में, तो प्रसाद वगैरह सबको दिया था। कुछ इस प्रकार से हमारे गाँव में बनाया। एक मंदिर के जाने के बाद में फिर एक मंदिर और है पास में, फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे भी बहुत अच्छा प्रोग्राम, मतलब पहले से चल रहा था, यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था, रास चल रही थी रामलीला, मतलब चल रहा था 2-3 दिन पहले से ही। मथुरा जी की पूरी टीम आई थी और यहाँ पे रासलीला का रात के दिन के प्रोग्राम चल रहा था। तो हम तो नहीं गए क्योंकि सर्दी है, फिर बच्चों का स्कूल भी रहता है इसलिए ना तो दिन के जा पाए ना तो रात के जा पाए। तो आज छुट्टी थी तो इसलिए हमने सोचा आज दिन के जाके प्रोग्राम देख के आएँ। तो ये मंदिर में गए थे, सजावट वगैरह कुछ ऐसी थी। और यहाँ से कलश यात्रा भी निकली थी, दूसरी जगह पे जाके हुई थी। और पूरे गांव में रैली वगैरह निकली हैं, बहुत सारे डीजे जे बजे हैं, तो यानी कि बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। और हमने हमारे गाँव में ही नहीं दोस्तों, हर एक जगह पर इसी प्रकार का माहौल था। और आज की खुशी बहुत हट की खुशी है और होनी भी चाहिए दोस्तों। और उसके बाद में यहाँ पे कुछ डेकोरेशन वगैरह कुछ ऐसा है, यहाँ पे रास होता है जो कि रामलीला होता है। तो अभी कोई नहीं था क्योंकि कलश यात्रा निकली हुई थी तो वहाँ पे सारे लोग चले गए थे, तो हम कुछ लेट पहुँचे थे और कलश यात्रा निकल गई थी तो हमने सोचा थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ घूम लें। तो कुछ हमारा दिन इस प्रकार का रहा। तो आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके बताना दोस्तों आपके वहाँ कैसे मनाया। और मिलते हैं आगे दोस्तों आप लोगों से। ये डॉगी कैसे बैठा है, ये मंदिर है, मंदिर क्या पगलिया है, मतलब कोई संत पहले गुजर गए थे उनके यहाँ पे स्थापना दी गई है तो इसलिए इनको डॉगी बैठा दिया। ये जितने भी 3-4 हैं बहुत पुराने संत हैं, 100 साल से पीछे संत हैं जो यहाँ पे गुजरे हुए हैं, उनको स्थापना दी गई है तो इनकी पगलिया बना दी है। डॉगी इसके अंदर क्या कर रहा है, अरे डॉगी तो क्या कर रहा है भाई यहाँ पे, तो भी दर्शन करने आया है क्या। ये है इनके पगलिया, इनके
रखे हैं, विराजमान किए हैं। सभी लोग आते हैं यहाँ पे, दर्शन भी करते हैं। ये तो कर्षिका, ये यही करेगी बांद्री। यहाँ पे सारे मतलब पुराने संतों की ही स्थापना है। यहाँ राधा रानी के हैं, दो पगलियाँ बनी हुई हैं, यहाँ पे भी इनकी ही स्थापना दी गई है। संत 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 6 संत हैं। बहुत पहले 200 साल हो गए होंगे, 100, 200, 300 सालों की पुरानी ये संत हैं जो ये गुजर गए हैं, और उनकी यहाँ पे समाधि दी गई है। एक तरीके मान सकते हो यहाँ पे उनको वो किया था, तो उनके नाम से आज भी मंदिर बना दिए हैं और इनकी पूजा करते हैं। और अब तो नए महाराज जी बैठे हैं, कुछ साल पहले पुराने वाले गुजर गए थे, तो अभी यहाँ पे नए महाराज जी को बैठा दिया गया है। अभी वो गद्दी संभाल रहे हैं पूरे, और बहुत पुराना मंदिर है ये। आरती होने के बाद में दोस्तों आप सब लोग आरती ले लीजिए, बालाजी की आरती हो गई थी। और उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली।